नमस्कार, अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोक सेवा आयोग की लेखपाल भर्ती परीक्षा मामले को लेकर पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। सीएम ने कहा है कि इस मामले में एसटीएफ के 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले में आगे भी छानबीन जारी रहेगी। सीएम ने कहा है कि प्रदेश के युवाओं से धोखा करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी गंदगी करने वाले और युवाओं का भविष्य खराब करने वालों को किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। जिस तरह से उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग भर्ती मामले पर कार्रवाई हुई है, उसी तरह से अन्य संस्था द्वारा यदि ऐसा किया गया तो उन पर भी कार्रवाई होगी। सीएम ने कहा है कि नकल रोकने के लिए सख्त नकल कानून बनाने के लिए भी सरकार काम कर रही है। पकड़ लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है और भी कड़ी कार्रवाई होगी, और इसमें कोई भी सम्मिलित होगा या किसी स्तर पर भी गड़बड़ी होगी तो वो किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, और उसको नहीं इसी प्रकार से रहने देना है। क्योंकि ये अगर कहीं भी गंदगी है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या हमारी किसी भी और संस्था में, जहाँ भी हमारे बेटे बेटियों के भविष्य के साथ कहीं पर भी कोई गड़बड़ी होती है, कोई इस प्रकार की घटनाएँ होती हैं, इस प्रकार का अपराध होता है, तो उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे और कुछ फैसले आज हम लेने वाले भी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो हेड सुभाष गौर जुड़ गए हैं। सुभाष जी, जिस तरीके से ये मामला सामने आया, पेपर लीक मामला, और इस मौके पर सीएम धामी भी सख्त रूप अपनाते हुए नजर आए हैं, उन्होंने आरोपी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कही है, लेकिन उत्तराखंड में अक्सर पेपर लीक मामले सामने आते रहते हैं, इसको लेकर प्रशासन और सरकार कोई सख्त रवैया क्यों नहीं अपनाता है? सुभाष जी, बिल्कुल, ये पहला मामला नहीं है जब लेखपाल और पटवारी भर्ती का जो पेपर है वो लीक हुआ। इससे पहले UK SSSC जब इस पेपर को कराता था तब भी ये पेपर लीक मामला सामने आया था, जिसके बाद उत्तराखंड एसटीआरएफ ने पूरी तरीके से इसको पंजा कसने की कोशिश की थी और लगातार कई सारी गिरफ्तारी भी हुई थी, और जो नकल और पेपर चोरी के मामले थे उसको लेकर एक के बाद एक लगातार पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि UK PSC द्वारा भी पेपर जब करवाया जाएगा तो किसी प्रकार की नकल नहीं होगी, और जो छात्र छात्राएं हैं जो पिछले लंबे समय से इस पेपर का इंतजार कर रहे थे और पेपर देने के बावजूद जिन लोगों को जिनका चयन भी हो गया था उन अभ्यर्थियों को भी फिर से एक बार पेपर देना पड़ा 8 जनवरी को। लेकिन बड़ी चीज यह है कि 8 जनवरी को एक बार फिर ये पेपर लीक हो गया और इसके बाद फिर से पुलिस ने ऐसे 4 लोगों को गिरफ्तार किया जो इस पेपर लीक मामले में शामिल थे, और लगभग 35 ऐसे अभ्यर्थी बताए जा रहे हैं जिनके पास ये पेपर पहुंचा था। यानी कि लगातार पुलिस अभी जांच कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि प्रदेश में लगातार इस तरीके के बड़े पेपर लगातार नकल भेंट चढ़ जाते हैं, और जो अभ्यर्थी पिछले लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं सरकारी नौकरी का और इस पेपर का, वो लोग कहीं ना कहीं इससे अछूते रह जाते हैं। और बड़ी चीज ये है कि ऐसे में राज्य सरकार में भी कई सवाल खड़े उठते हैं कि आखिरकार सरकार जिन संस्थाओं से पेपर कराती है, आखिरकार वो संस्था एक बेहतर पेपर के तौर पर, यानी कि जिस पर किसी प्रकार की नकल ना हो पाए, उनके जो कर्मचारी हैं वो भी कोई इस तरीके से फोटो खींचकर लोगों को जो क्वेश्चन पेपर है वो ना भेजे, इस तरीके की एक रणनीति बनाए। और आने वाले समय में, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि नकल चोरी यानी कि नकल और चोरी दोनों के लिए एक कानून बनाया जाएगा, जो इस तरीके के नकल और चोरी कराते हैं उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी, चाहे उसमें कोई संस्था ही क्यों ना मौजूद हो। तो कहा जा सकता है कि सरकार जरूर इसको लेकर तैयारी कर रही है कि इसको किस तरीके से आगे चलाया जाए, लेकिन 2 बार लेखपाल और पटवारी भर्ती जो खोली गई थी राज्य सरकार की तरफ से, दोनों ही बार उसमें पेपर कराए गए, उस दिन नकल की बात सामने आई, यानी कि पेपर होने से पहले ही उसका क्वेश्चन पेपर आउट हो जाता है और कई अभ्यर्थियों को पहुंच जाता है। तो कहा जा सकता है कि ऐसे में सरकार और उन संस्थाओं पर भी कई सवाल खड़े होते हैं जो बड़े स्तर के पेपर कराते हैं। हालांकि UK SSSC लगातार इस तरीके के मामलों में फंसता रहा है, जिसके बाद UK PSC को यह पूरा ठेका दिया गया था, यानी कि जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अब इन एग्जामों को कराएगा, जिसको लेकर उन्होंने तारीख भी निर्धारित कर दी थी कब ये पेपर होंगे, कब इनका रिजल्ट आएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि
क्योंकि पीएससी के पेपर कराने के बावजूद भी लेखपाल और पटवारी भर्ती का जो पेपर था वो फिर एक बार लीक हो जाता है। तो कहा जा सकता है कि ऐसी बड़ी संस्थाएं भी अभी कटघरे के घेरे में नजर आती हैं जो कि बड़े से बड़े पेपर प्रदेश के कराती है। जी सुभाष, बिल्कुल, ये छात्रों के भविष्य के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ है। इस मामले को लेकर आरोपी भी गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन इस मामले को लेकर क्या आपके अधिकारियों से बातचीत हुई है? कहां कमी रह गई थी जो इस तरीके के मामले हम आए दिन देखते हैं? जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपको पूरी घटना समझा दूं कि यूके पीएससी इस पेपर को करवा रहा था, इस बार यूके ट्रिपल एससी इस पेपर को नहीं करा रहा था। लेकिन बड़ी चीज ये है कि यूके पीएससी के किसी सरकारी कर्मचारी ने पेपर की फोटो खींची और उन लोगों तक पहुंचाई जिन्होंने ये नकल का ठेका लिया हुआ था, यानी कि जिनकी गिरफ्तारी पुलिस द्वारा कराई गई। तो ये कहा जा सकता है कि इसको लेकर एक बड़ी रणनीति बनाने की जरूरत है कि आखिरकार इतने बड़े स्तर के पेपर हैं, इनको राज्य सरकार किस तरीके से कराओ, जो संस्था इनको कराती है उनके कर्मचारी अधिकारी इन सभी पर नजर रखी जाए, क्योंकि ये देखा जाता है अनुमान की जो पेपर लीक हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उस विभाग से जुड़ा हुआ कोई ना कोई कर्मचारी जरूर मौजूद नजर आ रहा है। यूके ट्रिपल एससी में भी ऐसी देखने को मिला और एक बार फिर अब यूके पीएससी में भी ऐसी देखने को मिला। तो कहा जा सकता है कि जो बड़ी संस्थाएं हैं जो इस तरीके के परीक्षाएं कराती हैं, इन संस्थाओं के अधिकारी कर्मचारी और ये कहा जा सकता है कि छोटे कर्मचारियों पर भी नजर रखने की जरूरत है, और जो लोग इस पेपर की ड्यूटी में रहते हैं उन लोगों पर खास फोकस रहना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी गड़बड़ी इनके द्वारा ही पाई जा रही है। जी बिल्कुल सुभाष, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है और जिस तरीके से अब सीएम ने अपनी बातें रखी है और सख्त कार्रवाई की बात कही है उन्होंने, और जिस तरीके से इस मामले को लेकर विपक्ष अब बता दें कि विपक्ष इस मामले को लेकर हवा देती भी नजर आ रही है और विपक्ष ने भी इस मुद्दे को काफी जोर शोर के साथ उठाया है, लेकिन इस मामले को लेकर हमें गौर करने की जरूरत है, सरकार को गौर करने की ये जरूरत है कि इस मामले को लेकर किस तरीके से बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और किस तरीके से इस मामले को लेकर सख्त कार्रवाई की जाए जिसकी वजह से आगे इस तरीके की चीजें देखने को ना मिले, क्योंकि उत्तराखंड में कई ऐसी चीजें देखने को मिलती है और कई बार पेपर लीक के मामले हो चुके हैं। सुभाष जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए जिस तरीके से देहरादून का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि पेपर लीक के मामले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा है कि आरोपी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसा कोई कानून की व्यवस्था की जाएगी जिसको लेकर जो लोग हैं, जो आरोपी है, इस तरीके की हरकत करने से बचे और बच्चों का भविष्य खराब ना हो। वही उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बाद एक बार फिर से 8 जनवरी को आयोजित हुई पटवारी परीक्षा में पेपर लीक होने का मामला सामने आते ही अब पौड़ी में भी सियासत गरमा गई है। मंडल मुख्यालय पौड़ी में कलेक्टर परिसर के समीप यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष आयुष भंडारी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस के प्रदेश सरकार का पुतला दहन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। यूथ कांग्रेस का कहना है कि युवाओं के साथ भर्ती में हो रहा छलावा युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहा है। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा है कि प्रदेश में बड़ी मुश्किल से रोजगार के लिए भर्ती खुलती है और उस पर भी परीक्षाओं में पेपर लीक और घोटाले हो जाना सरकार की नाकामी को दर्शाता है। इस दौरान मौजूद यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और सभी लोगों ने प्रदेश सरकार के भर्ती घोटाले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सरकार क्यों इस तरह से खिलवाड़ कर रही है? क्यों बार बार ये घोटाले होते जा रहे हैं? क्यों बार बार पेपर लीक होते जाते हैं? क्या उत्तराखंड सरकार इतनी कमजोर है? क्या इन माफियाओं के अंदर ये सरकार इतनी हार मान हो चुकी है कि ये लोग अपना पैसा अपना धंधा कमाने के लिए हमारे बच्चों को माध्यम बनाया जा रहा है? क्यों, आखिर क्यों, कब तक हमारे बच्चे इस तरह से इन लोगों के, इन भ्रष्टाचारियों के? ये हाकम सिंह को तो जेल भेज दिया है, लेकिन हाकम सिंह के जो ये साथ मिले हुए हैं, जो उसका उपयोग करने वाले जो लोग थे, वो लोग कहाँ हैं? क्यों नहीं उनको, क्यों नहीं भेजा जा रहा है जेल? क्यों हमारे बच्चों को इस तरह से बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है? उनकी उम्र जा रही है, उनका समय जा रहा है। गरीब घरों के सामान्य वर्गों के बच्चे हैं हमारे, उनके माँ बाप उनको एक पेपर भेजने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए उन बच्चों को, उनके पेरेंट्सों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कल जो है मोरी में एक मामला संज्ञान में आया जिसमें एक अनुसूचित जाति का एक लड़का है जिसका नाम आयुष है, उसकी तरफ से कुछ लोग आए और उन्होंने बताया कि ऐसे इस आयुष के साथ जो है मारपीट हुई है
और तथाकथित कुछ अन्य लोगों ने उसके साथ मारपीट की है और उसको मंदिर में जाने से रोका है। और ऐसा भी बताया गया है कि जलते हुए अंगारों से भी मारा गया, उसको झुलसाया गया है। तो इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस ने एक्शन लिया और इस पर जो है सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, 323, 504, 506 और जो अनुसूचित जाति अधिनियम में जो 3A1X में जो है इसमें मामला दर्ज कर लिया गया है और इसमें जो है अग्रिम विधिक कार्रवाई जो है प्रचलित है। अभी मैं सबसे यही अनुरोध करना चाहता हूँ हमारे सब क्षेत्रवासियों से कि इसमें जो है शांति बनाए रखें, आगे जो भी विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है और इसमें वही लोक सेवा आयोग उत्तराखंड द्वारा बता दें कि विगत 4 दिन पूर्व आयोजित लेखपाल परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप में उत्तराखंड एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आयोग के अति गोपन अनुभाग में नियुक्त अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने अपने कार्यकाल से प्रश्न पत्र लीक किया है और अपनी पत्नी रितु के साथ मिलकर लीक प्रश्न पत्र राज्यपाल और साथ ही संजीव को उपलब्ध कराया है, जिसके एवज में उन्हें नगद राशि प्राप्त हुई है। प्रश्न पत्र लेने के बाद संजीव और राज्यपाल ने राजकुमार और अन्य के माध्यम से कई प्रश्न पत्रों को कई अभ्यर्थियों में बांटकर उनको बिहारीगढ़ के पास ही स्थित माया अरुण रिजॉर्ट और साथ ही अन्य स्थानों पर एक साथ पढ़ाया। वहीं एसटीएफ बता दें कि एसएसपी ने बताया है कि जांच पड़ताल के आधार पर अभी 35 अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र पाने की सूचना मिली है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि आउट प्रश्न पत्र की प्रतियां और प्रश्न पत्र लीक पर अवैध रूप से कमाए गए 22,50,000 रुपए अभियुक्त संजीव चतुर्वेदी से बरामद किया गया है। आपको बता दें कि पूर्व में ही यूके एसएससी परीक्षा द्वारा बता दें कि आयोजित द्वारा परीक्षा के बड़े पैमाने पर धांधली के मामले में सामने आया है और इसमें करीब 4 दर्जन लोगों को गिरफ्तार करने की बात सामने आई है। पूर्व में यूके SSSC में भर्ती से संबंधित कुछ अनियमितताएं सामने आई थी, उसके परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जितने भी परीक्षा माफिया हैं जो पेपर लीक कराते हैं उन लोगों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का निर्देश दिया गया था। इसमें माननीय DGP महोदय द्वारा भी STF को भी निर्देशित किया गया था कि जो भी परीक्षाएँ आयोजित की जा रही हैं उस संबंध में सूचना संकलन किया जाए, अगर किसी प्रकार की अनियमितता की बात सामने आती है तो उस पर कार्यवाही की जाए। तो इसमें हमें गोपनीय रूप से सूचना प्राप्त हुई थी कि जो विगत 8 जनवरी को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा लेखपाल और पटवारी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई। पेपर लीक मामले के सामने आते ही 4 आरोपी गिरफ्तार तो हो गए हैं लेकिन सियासत जरूर गर्म हो गई है। चलिए पौड़ी पहुंचे गढ़वार सांसद तीरथ सिंह रावत ने जिले में हो रहे विकास कार्यों की पड़ताल को लेकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली है और इस दौरान सांसद तीरथ सिंह रावत ने बता दें कि कॉलजी खाल ब्लॉक में हुए जल जीवन मिशन योजना घोटाले की जांच बारीकी से करने के निर्देश दिए हैं। DM ने सांसद गढ़वाल ने बताया है कि पूर्व में बैठक में अधिकारियों को जो होमवर्क दिया गया था उस पर अधिकारी खड़े नहीं उतरे हैं। सांसद ने कहा है कि पेयजल किल्लत की समस्या उनके समक्ष अधिक आई है और इससे लंबित पेयजल योजना जल्द गांव-गांव तक पहुंचाने वाली है। साथ ही बता दें कि सड़कों की स्थिति सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान बता दें आपको कि खस्ता हाल सड़कें जान पर हावी ना हो, वही जिला की दिशा बदलने के लिए विकास कार्यों को लेकर बता दें कि तमाम तरीके के दिशा निर्देश दिए गए हैं। सांसद ने कहा है कि विकास कार्य उनकी पाइपलाइन में शुमार है, इसलिए अधिकारियों को इन महत्वपूर्ण कार्यों को अधिक फोकस करने की निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बता दें कि सांसद गढ़वाल ने भर्ती घोटाले पर भी कहा है कि युवाओं का मनोबल भर्ती घोटाले के कारण टूट रहा है, इसलिए भर्ती में पारदर्शिता लाना बेहद जरूरी है। वहीं भर्ती घोटाले से जुड़े दोषियों पर सख्त सरकार ठोस से ठोस एक्शन भी ले रही है। जो भी शिकायत आई है गुणवत्ता की आई है तो जो जहाँ पे इस तरह की दिक्कत है मैंने तत्काल उस पर जांच कई जगह बिठाने की बात की DM की उसमें और DM उस पर संज्ञान लेंगे और निश्चित है कि उनका निराकरण करेंगे और जिन लोगों ने गलत किया है उनको ब्लैक लिस्टर करने का काम करेंगे। पिछली बार की जो बैठक में विषय आए थे वो विषयों पे अधिकारियों ने संज्ञान लेकर के लगभग पूरा किया है।
जो प्रगति रिपोर्ट आई, जिसमें कि हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, अन्य जनप्रतिनिधि भी हैं, उन्होंने संतुष्टि जताई है। और साथ में जो पाइपलाइन में जो काम है, उन कामों को पूरा सालरा गांव में मंदिर में प्रवेश करने पर दलित युवक को रात भर बांध कर, बता दें कि बंधक बनाकर पीटने का मामला ये सामने आया है। मामले में पीड़ित पक्ष ने मौरी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। बेनौल गांव के निवासी आयुष के पुत्र अतर लाल ने मौरी थाने के क्षेत्र में 5 लोगों के खिलाफ जान से मारने का प्रयास के समेत कई अन्य आरोपों को मुकदमा दर्ज कराया गया है। आयुष ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि वे बीते 9 जनवरी को शाम करीब 7 बजे गांव के कोवल मंदिर में दर्शन के लिए गया था। मंदिर में मौजूद कुछ लोगों ने अचानक उस पर हमला बोल दिया। बाद में उसे मंदिर के बांध दिया गया और इस दौरान गाँव के 5 सरवणों के ने, बता दें कि जलती लकड़ी और अंगारों से उसे रात भर पीटा, जिससे वह बेहोश हो गया। आयुष ने बताया है कि 10 जनवरी की सुबह जब उसको होश आया तो उसने खुद को नग्नावस्था में पाया। इसके बाद से आयुष ने बताया है कि वे नग्नावस्था में ही वहां से भाग गया और इस दौरान आयुष ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की है। फिलहाल पुलिस ने जयवीर सिंह, ईश्वर, आशीष जैन सिंह और साथ ही भगियान आदि पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में विवेचना CO ऑपरेशन प्रशांत कुमार को सौंपी गई है। वहीं SP अर्पण यदुवंशी ने कहा है कि मामले में क्षेत्र के 5 लोगों के खिलाफ SP और साथ ही बता दें कि SP एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जनपद टिहरी गढ़वाल के, बता दें कि द्रेप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक अमर शहीद नागेंद्र कॉलोनी एवं मोलू, बता दें कि भरदारी स्मृति विकास मेला 2023 का आगाज हो गया है। वही रामलीला मैदान कार्तिक नगर में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम से समा बांधा हुआ नजर आ रहा है, जिसके कई कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हुए नजर आए। बताते चले कि नगर पंचायत कृति नगर में यह विकास मेला 14 जनवरी तक चलेगा और इस दौरान विकास मेले में संजय भंडारी, अनिशा रांगन और साथ ही अपनी प्रस्तुति से समा बांधेंगे, जिस पर लोग जमकर थिरकते हुए नजर आए। और जबकि अध्यक्ष नगर पंचायत कीर्ति नगर कैलाशी जाखी ने जानकारी देते हुए बताया है कि 4 दिवसीय आयोजित में गढ़वाली कवि सम्मेलन समेत गढ़वाली कुमाऊं और साथ ही जौनसाड़ी आदि सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की झलक देखने को मिलेगी। वहीं गढ़ रत्न और साथ ही प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के टीम प्रीतम भरतवान एवं लोक गायिका सीमा पंगरियाल द्वारा भी सांस्कृतिक प्रस्तुति दी जाएगी। कहा है कि सीनियर वर्ग के छात्र छात्राओं की सांस्कृतिक प्रीतियों के से लेकर चक्रियू नाटक की प्रस्तुति भी मेले में देखने को मिलेगी। वहीं चल रहे आयोजन के दौरान गढ़वाली कुमायूं लोक नृत्य का लुत्फ उठाते हुए दर्शक भारी संख्या में झूमते नाचते नजर आए। कार्यक्रम का सभी पदाधिकारियों को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बहुत अच्छा लगा लगे मेरे अपूर क्षेत्र से, मेरे अपने विधानसभा के प्रयाग ब्लॉक के नगर से मैं तो बहुत अच्छा लगा लगे अपने क्षेत्र में काम करना, अपना कार्यक्रम देना, तो बहुत शानदार माहौल है और बहुत
पसंद करने के लोग हमारे यूट्यूब पे हमारा उत्तराखंड जो कल्चर चीज जो ये न्यूरमा जो भी खान पान सारी चीज़ बहुत अच्छा बहुत बहुत बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये भी बोलना चाहूँ कि हम कलाकार थे और हम अपने कलम और अपने गीतों का माध्यम से हम चाहते कि अपने गीतों से हम उत्तराखंड की जो बोली है भाषा छे और एकदम आगे बढ़ोते रहना। और आज की गायक नागेंद्र सिंघानी और कर्णानी को इसमें इसमें टूटने में लगा दिया गया है। तो इसमें आज संजय कर्णानी गाने इसका आकर और राज टाइगर सिंह कराए हैं और हमें एक नगर नगर पंचायत का उसमें अच्छी व्यवस्था की गई है। तो जैसे कि अनिशा रांगड़ के गाने अनिशा रांगड़ सारे गाने अच्छे मकर संक्रांति स्नान और को लेकर 26 जनवरी को लेते हुए प्रशासन भी सख्त नजर आ रही है। बता दें कि प्रशासन इसको लेकर तमाम तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। कोरोना के बाद पहली बार मकर संक्रांति स्नान पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 लाख के करीब श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार पहुंचेंगे। इसे देखते हुए मेला क्षेत्र में 7 जोन और 17 सेक्टर में विभाजन किया गया है। संदिग्ध लोगों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे की मदद ली गई है। वही आज बता दें कि ऋषिकुल ऑडिटोरियम में पुलिस के अधिकारियों की ब्रीफिंग की गई है। वहीं जिलाधिकारी और एसएसपी द्वारा अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे का कहना है कि कोरोना के कारण 2 वर्ष बाद मकर संक्रांति का स्नान पर्व आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना के कारण इसे प्रतिबंधित किया गया था। अनुमान लगाया जा रहा है कि मकर संक्रांति स्नान 8 से 10 लाख के करीब श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार पहुंचेंगे। इसको देखते हुए 1 सप्ताह की तैयारी की भी की गई है और साथ ही पर्याप्त पुलिस बल हमें प्राप्त है। मेला क्षेत्र में 7 जोन और 17 सेक्टर में विभाजन किया गया है। हमारी प्राथमिकता है कि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। हरिद्वार के थाना सिडकुल के ट्रैवल एजेंसी के नाम पर वाहन ठेके पर लेकर बता दें कि फ्रॉड करने वाले अभियुक्तों के संबंध में एसपी रेखा यादव ने खुलासा किया है। खुलासा करते हुए एसपी रेखा यादव ने बताया है कि अतुल कुमार सक्सेना, उनके बेटे रुक्मणी कुमार सक्सेना निवासी मोहल्ला शाह थाना सुनगढ़ी जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश और हाल निवासी नवोदय नगर थाना सिडकुल हरिद्वार के द्वारा लोगों से ट्रैवल एजेंसी के नाम पर वाहन ठेके पर लेकर अन्य व्यक्तियों के पास से गिरवी रखकर फरार हो जाने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके चलते 12 जनवरी को अभियुक्त अतुल कुमार सक्सेना को बता दें कि न्यू कोल्डली कॉलोनी ब्लॉक बी थाना अशोक नगर नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। कुछ समय पूर्व थाना सिडकुल में वादी द्वारा सूचना दी गई थी कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। धोखाधड़ी के इस क्रम में जब पता करा कि किस प्रकार की धोखाधड़ी हुई, उसके द्वारा बताया गया कि अतुल सक्सेना द्वारा उन्हें एक ट्रैवल एजेंसी खोलने के नाम से वाहन ठेके पर लिए गए। उसके द्वारा लिए गए वाहनों को उसके द्वारा ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से किराए पर चलाया जाना था, परंतु वाहन स्वामियों को जब उस ट्रैवल एजेंसी के नाम से पैसे नहीं मिले तब उनके द्वारा पता कराया गया कि उनके वाहन कहाँ हैं। तब उन्हें पता चला कि इन वाहनों को उक्त अभियुक्त द्वारा अन्य किसी को गिरवी रख दिए, अन्य किसी के पास गिरवी रख दिए गए हैं, जिसके उपलक्ष्य में वह स्वयं पैसा प्राप्त कर रहा था। कोटद्वार के शिवपुर इलाके में एक व्यक्ति के बगीचे में मांदा गुलदार का शव पड़ा हुआ मिला है। बता दें कि जिसकी सूचना खेत मालिक ने वन विभाग को जानकारी दी, जिसके बाद से वन विभाग की टीम ने गुलदार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम शुरू कर दिया है। वहीं रेंजर अजय कुमार ध्यासी का कहना है कि 2 गुलदारों के बीच आपसी संघर्ष के चलते एक मांदा गुलदार की मौत हो गई है, जिसके शव पोस्टमार्टम के लिए बता दें कि भेज दिया गया है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत परिवहन विभाग ने पुलिस और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से शहर में जागरूकता रैली निकाली है। इस दौरान लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देकर जागरूक भी किया गया है। लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की गई है। बता दें कि
एआरटीओ कार्यालय पर आयोजित जन जागरूकता रैली का शुभारंभ सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी पर्वत मोहित कोठारी ने हरी झंडी दिखाकर किया है। रैली शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए वापस एआरटीओ कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई है। रैली के दौरान लोगों को लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों के कारण की जानकारी दी गई है। वहीं रैली में एनसीसी के छात्रों ने रोड सेफ्टी के स्लोगन की नारेबाजी करते हुए शहरवासियों का ध्यान आकर्षित किया है। और आज रोड सेफ्टी की रैली निकाली जा रही है। रोड सेफ्टी रैली में स्कूली बच्चे हैं, यूनियंस हैं, सारी की सारी ऑटो विक्रम ई रिक्शा, इसके अलावा बाइकर्स हैं, पुलिस विभाग का भी हमें सहयोग इसमें मिला है और आगे के लिए भी इसी तरह के कार्यक्रम स्कूलों में प्रस्तावित हैं। इम्पोर्टेंट है कि जो यातायात के नियम बनाए गए हैं उनका पालन किया जाए। दोपहिया पर दोनों सवार हेलमेट पहने, हमेशा सीट बेल्ट लगाएं, कार के जितने भी ऑक्यूपेंट्स हैं अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखकर वाहन चलाएं, ट्रिपलिंग ना करें। अब खबर हरिद्वार से है, जहां पर गुमशुदा युवक की रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम दादूपुर के रॉयल गेस्ट हाउस में शव मिलने से हड़कंप मच गया है। बता दें कि बहादराबाद थाना क्षेत्र के स्थित अपने घर से लापता हुआ 22 वर्षीय कार्तिक नामक युवक का परिजनों द्वारा पुलिस को तहरीर दी गई थी। पुलिस को इस मामले को लेकर जानकारी दी गई थी, जिसके बाद से फोन कॉल के माध्यम से किसी अज्ञात व्यक्ति के शव की इस दौरान अज्ञात किसी व्यक्ति ने 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। सूचना पर पहुंची एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि पूरा मामला अपहरण से जुड़ा हुआ है और मामले की जांच पड़ताल जुटी हुई है। उच्च अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ मौके में पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली से मुनिकरेती क्षेत्र के पहुंचे एक पर्यटक के लिए जल पुलिस ने जवान देवदूत बन गए। पुलिस ने जवानों ने गंगा के टापू पर फंसे पर्यटक को सकुशल बाहर निकालकर उसकी जान बचाई है। जान बचाए जाने पर पर्यटक ने पुलिस का आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि आज दोपहर जान की पुल के पास गंगा के बने टापू पर एक पर्यटक के चीखने चिल्लाने की आवाज लोगों तक सुनाई दी और गौर से सुनने पर पर्यटक जान से बचाने की मदद करता हुआ नजर आया, जिसके बाद से यह सूचना स्थानीय लोगों ने मुनिरेती थाना पुलिस को दी है। वे सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर रितेश शाह के निर्देश पर जल पुलिस मौके पर पहुंची और इस दौरान उस व्यक्ति को बचाया गया। आप वहाँ कैसे गए? सर मैं एक्चुअली दिल्ली से आया हुआ था और यहाँ पे टापू पे मैंने देखा थोड़ा सा एकांत सा मिलेगा, तो इस वजह से मैं उधर की तरफ चला गया और यहाँ पे उस टाइम पानी कम था तो मैं चला गया और उसके बाद वो पानी धीरे धीरे काफ़ी बढ़ गया। अब मैं उसके बाद बहुत घबरा गया, मैंने देखा कि यहाँ पे कोई नहीं है। मैंने पूरे इस पे देखा आइलैंड पे बीच में, यहाँ पे कोई भी नहीं था, तो मैं थोड़ा परेशान हो गया। मैंने लोगों को भी आवाज़ मारी तो कोई आया नहीं, कोई भी कोई कह रहा है बीच में से आ जाओ, कोई कह रहा है इधर से आ जाओ। पानी इतना भर चुका था कि मेरा बिल्कुल ही पैर भी। चलिए अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। नमस्कार।